और पूज्य विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, सर्व समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज जिला झज्जर की विधानसभा बहादुरगढ़ की इस पावन धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर श्रद्धांजलि सभा विजय संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान श्री प्रकाश भारती जी, अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, एडवोकेट नेतराम जी, प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, सम्मानित हमारे जोन के प्रभारी प्रोफेसर महेश कुमार जी, प्रदेश सचिव हरियाणा, सम्मानित हमारे इस जिला के प्रभारी सूबेदार सरदानंद जी, सम्मानित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रतन लाल गौतम जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष ब्रह्मदत्त तंवर जी, गुड़गावा के अध्यक्ष महेंद्र जी, सम्मानित रंगा जी, मंचासीन तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण, सरपंचों के प्रधान और इस बहादुरगढ़ की इस वाटिका में बैठे बड़े बुद्धिजीवी बुजुर्गों नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे मिशनरी कलाकार, मीडिया के बंधु, तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते तो साथियों आज ये फुलवाड़ी नाक इत्यादि जितने साथी यहाँ बैठे हैं, अगर ये श्रेय किसी महापुरुष को जाता है तो परम पूज्य विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के कारण आज समाज में से IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जज, तहसीलदार, एक्शन SDO, क्लास वन अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर अगर ना होते तो IAS तो छोड़ो, IPS तो छोड़ो, डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ो, साथियों एक समाज में से हम एक PN भी पैदा नहीं कर सकते थे। अगर ये IAS IPS ये बड़े बड़े अधिकारी बनने का सौभाग्य इस समाज में से मिला है तो इसका श्रेय कांग्रेस या BJP इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं जाता, इसका श्रेय हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, आरक्षण का अधिकार अगर महापुरुष ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। आज MP बनते हैं, MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े निगमों के चेयरमैन बनते हैं, जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद चेयरमैन बनते हैं, BDC के चेयरमैन, नगर परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के सदस्य, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चेयरमैन बनते हैं, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर वन मैन वन वोट का अधिकार न देते तो साथियों MP MLA मिनिस्टर छोड़ो, इस दलित समाज में से कोई मेंबर पंचायत भी नहीं बन सकता था। यह अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन साथियों, आजादी के 70 साल के बाद आज भी अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, लेकिन आज भी हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के हम जय जयकार करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं, लेकिन आज भी साथियों दुख इस बात का है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे दलित और पिछड़े समाज के लोगों, ऐ मेरे गरीब समाज के लोगों, गुलाम मत बनो, शासक बनो, इस देश के शासक बनो, शासक के साथ कभी धोखा नहीं होता,
गुलाम के साथ हमेशा धोखा होता है, लेकिन दुख इस बात का है 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी साथियों कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन आज भी हमारी बहन बेटियां प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, देश में सुरक्षित नहीं है। जो भी सरकार आई है उसने कानून को तोड़ करके संविधान में अमेंडमेंट करके अपने फायदे के लिए साथियों इस दलित और पिछड़े गरीब समाज को तोड़ने का काम किया है, और सबसे बड़ा नुकसान अगर किया है इस देश में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या, क्योंकि निजीकरण लगा करके बड़े बड़े डिपार्टमेंटों को साथियों निजी हाथों में देकर के इस देश में दलित और पिछड़ों का हक मारने का काम किया है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा इस देश में दलित और पिछड़े समाज के हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निजीकरण करने पे तुली है, संविधान को खत्म करने पे तुली है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भैर कुमारी मायावती ने कहा है कि संविधान को छेड़कर को देखने, संविधान के सम्मान में अगर कोई नेता आज मैदान में है तो भैर कुमारी मायावती जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी मैदान में। 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान को छेड़ने की कोशिश की थी, धरे हैं माननीय कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने सारे देश में संबोधन में बड़ी बड़ी संगोष्ठी बड़ी बड़ी रैलियां करके एक धारा लगाया था कि संविधान के समान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। लेकिन मेरी अपील आप लोगों से बुद्धिजीवियों से कि साथियों बाबा साहब को तो मानते हैं हम, बाबा साहब की दिया खाते हैं, लेकिन बाबा साहब का दिया नहीं जगाते आज भी हम साथियों। बाबा साहब के कारण वोट का अधिकार मिले हमें साथियों, नौकरी मिली हमें, अच्छे अच्छे काम धंधे मिले हैं, लेकिन चर्चा हम कांग्रेस और बीजेपी की करते हैं, दुख इस बात का है साथियों। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस के साथ लगातार लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, पहली बार लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पार्लियामेंट में जीत करके जाना चाहिए, क्योंकि संविधान मैंने दे दिया देश को, संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने इसको लागू कराने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर पूरी मुंबई से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के पीएम मिस्टर कजोलकर को खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में चुनाव हार गए, और साथियों गद्दार कजरोलकर चुनाव जीत गए कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को जीतने नहीं दिया। 1954 में एक लोकसभा की सीट खाली हुई भंडारा लोकसभा महाराष्ट्र में, बाबा साहब ने कहा कि मैं 52 में नहीं जीत पाया, लेकिन दोबारा फिर से चुनाव लड़ूंगा और जीत करके लोकसभा में जाऊंगा। लेकिन साथियों मिस्टर मेहता कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया, हमारे महापुरुष चुनाव हार गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई बढ़ाई, रिपब्लिक पार्टी बढ़ाई, और जब पार्टी बढ़ाई साथियों बाबा साहब की सेह जवाब दे गई। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चल बसे। बाबा साहब के मानने वाले लोग जो कसमें खाते थे बाबा साहब की चिता के ऊपर कि बाबा साहब आपके जाने के बाद आपका मिशन हम लेकर के चलेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के जाने के बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। और साथियों जो बाबा साहब की पार्टी का निशान हाथी का निशान होता था, नीला झंडा होता था, हाथी के निशान को साथियों फ्रीज कर लिया चुनाव आयोग ने। धन्य है माननीय कांशीराम, धन्य है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जिस देश में आए, और बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा, बाबा साहब अम्बेडकर का निशान हाथी का निशान लेकर के पूरे देश में साथियों घूम करके आप लोगों के साथ मिल करके आज बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। मेरी अपील है अगर बाबा साहब को मानते हो, अगर बाबा साहब की के विचारों में चलते हो, तो साथियों इस बाबा साहब के झंडे को पकड़ करके, नीले झंडे को पकड़ करके बहन कुमारी मायावती का साथ आप लोगों ने देना होगा। इन शब्दों के साथ अगर आप आज संकल्प लेना चाहते हैं, ये
इस वाटिका में हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, तो साथियों एक ही नारा लगाए कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में करेंगे पूरा। जय भीम जय भारत।